तुझा राजा तू मला बनू शिलका माझे नावाच तुझे माथ्यावर लावू शिलका डीजे। चलिए मैच की शुरुआत करना है अंपायर्स। सागर चलिए प्लीज। सूरज सूरज मैच शुरू करना प्लीज।
चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है सलामी बल्लेबाज के रूप में विकेटों के बीच में पवन और संदेश की जोड़ी जा चुकी है, स्ट्राइक पर है इस वक्त पवन। पहली गेंद विकी लेके तैयार, पहली गेंद पर एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ, अकाउंट जरूर खोला है इस वक्त पवन ने, एक रन के साथ खाता जरूर खोला है। पहले बल्लेबाजी करने का जो यहां पर डिसीजन लिया जरूर दिया गया था, भावेश पैकर्स की टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का यहां पर जो निर्णय लिया है वो निर्णय कितना कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात जरूरी। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार विकी अपने बॉलिंग मार्क पर, इसी बीच ये गेंद और यहां पर बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई, पवन जैसे जो कि आज के दिन के हीरो रहे वो आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। न्यू बैट्समैन बंटी थोड़ा दौड़ते हुए चले जाए प्लीज, बंटी न्यू बैट्समैन आए हैं पवन की कमी पूरी करने के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार विकी अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार फ्रंट फुट पर निकलकर बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद रही डॉट के रूप में। बिल्कुल विकी की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन उनके माध्यम से देखने मिलता हुआ, तीन गेंदों में एक विकेट अपने नाम किया है, बड़ा विकेट कहा जाएगा, पवन जैसे बल्लेबाज को शांत किया और एक रन तीन गेंदों में खर्च किए हैं, अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी देखने मिलती हुई। इस बार चेंज ऑफ पेस गेंद की थी, फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद स्विंग जरूर होती हुई, गेंद रही डॉट के रूप में। विकी की बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, बंटी और संदेश इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई, तीन ओवरों का यह मुकाबला, जो भी टीम जीत हासिल करेगी फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बन जाएगी। इस बार देखिए लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रही ये गेंद, अंपायर ने अपने हाथों को फहराया, इस गेंद को वाइड घोषित जरूर किया है, अतिरिक्त रनों का खाता यहां पर खुलता हुआ और रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त, स्कोर जा पहुंचा है दो रनों पर एक विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार विकी अपने बॉलिंग मार्क पर, सामना करने के लिए सज्ज होते हुए बंटी, इसी बीच ये गेंद, इस बार ये बड़ा हिट जरूर देखने मिला, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, छह रनों के लिए दंदनाता स्मार्टी हैंसन सिक्सर। अगली गेंद, इस बार गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, गेंद रही डॉट के रूप में और ओवर की हुई है समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की तरफ नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर दर्शाता हुआ 8 रन, एक ओवर 8 रन। सूरज गेंदबाजी की कमान पर आए हैं, काफी बेहतरीन गेंदबाज
के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। इस सीजन में काफी अच्छा फॉर्म इनका रहा है और इस सीजन में बड़ी टीमों में भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया, जैसे सैंडी एसपी 11 दादर की जो टीम है, ओमकार देसाई की जो टीम है, उस टीम में भी ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस ओपन टीम में करते हुए नजर आए हैं। घरेलू टीम में जरूर इस वक्त परफॉर्मेंस करते हुए वर्तक नगर की ओर से दूसरा ओवर लेकर सज्जे होते हुए सागर अपने बॉलिंग मार्क पर। सूरज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। दो रन का जरूर डिमांड है लेकिन एक रन से शांत होना पड़ेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सूरज की अगर बात करें तो बिल्कुल अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहां पर मैं प्रशंसा करूंगा गोरसाई की, आज पूरे दिन में इनके बल्लेबाजों ने और इनके गेंदबाजों ने प्रभावित किया है। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी जरूर देखने मिली है गोरसाई टीम की तरफ से। जरूर दोनों ही बड़ी टीमें हैं और आज के दिन गोरसाई ने मेहनत की है, कल के दिन सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली भावेश 11 की टीम रही। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन जरूर देखने मिलता हुआ बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के माध्यम से। एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर दो आंकड़ों में इस वक्त परिवर्तित होता हुआ 10 रन। 10 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आते हुए सूरज फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर है, सामना करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से बल्लेबाज संदेश इस गेंद पर प्रहार करना चाह रहे थे। क्रीज के काफी ज्यादा बाहर रही ये गेंद, डॉट डिलीवरी जरूर थी लेकिन अंपायर ने वाइट बॉल घोषित जरूर किया है क्योंकि इस वक्त बल्लेबाज कुछ बड़ा हिट लगाने की चाहत में थे। बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे हैं सेमीफाइनल का मुकाबला पोषमात्र स्पोर्ट्स भाईंदरपाड़ा प्रेजेंट पोषमात्र चषक 2019 और 20 सीजन चलता हुआ 21-21 उसका सेमीफाइनल का ये मैच। इस बार तेज तर्रार गेंद, जोरदार अपील को यहां पर नकारा है अंपायर विशाल नाइक ने और लेग बाइस के रूप में एक रन यहां पर जरूर मिलता हुआ और इस एक रन के साथ रनों की जो रन संख्या है उसमें बढ़त देखने मिलती हुई स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, दूसरे ओवर की अब तक के 3 गेंदे हो चुकी हैं, 3 गेंदे अभी भी आना शेष। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, डांसिंग डाउन स्ट्रोक जाने का कोशिश की थी लेकिन विकेट का फर्नीचर पूरी तरीके से यहां पर नस्तो नाबूद करते हुए गेंदबाज सूरज विकेट का हुआ है पतंग और एक और झटका गोरसाई की टीम को जरूर लगता हुआ। अगली गेंद, इस बार पुल करने की कोशिश की थी लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर सूरज। इसी बीच ये गेंद, पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति, दो ओवरों की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या है 14 रनों पर। अंतिम और आखिरी ओवर का खेल बाकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फील्डिंग यूनिट टीम, देखिए टाइम के मामले में सहयोग करना है, इसके बाद आपको ही बल्लेबाजी करनी है तो प्लीज ताबड़तोड़ मैच की शुरुआत करें।
पाट्या पाट्या गो खेलत हो तू दो गजना गो खेलत हो तू दो गजना धन्यवाद डीजे। अंतिम और आखिरी ओवर के लिए आए हैं गेंदबाज की कमान पर इस वक्त गेंदबाज किरण। कल के दिन की अगर बात करें तो कल के दिन तीनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच का कीर्तिमान अपने नाम किया था वही खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। और बात करें आज के दिन की तो बिल्कुल गोरसाई की टीम के जो पवन है उन्होंने अच्छा प्रभावित किया, दो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अपने नाम जरूर उन्होंने की है। अगली गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर आहिस्ते से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 रनों पर। स्कोर 15 रनों पर दर्शाता हुआ किरण की अगर बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी जरूर करते हैं। इस वक्त 5 गेंदों का खेल बाकी है, सामना करने के लिए सज्ज होते हुए बल्लेबाज इस वक्त राहुल। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, दूसरे रन के लिए यहां पर डिमांड किया गया है और यहां देखिए सुसाइड, आत्महत्या के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ। न्यू बैट्समैन इस वक्त जाते हुए विजय, न्यू बैट्समैन स्ट्राइक पर है विजय, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है राहुल। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई किरण की अगली गेंद, सामना करेंगे विजय। बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद रही डॉट के रूप में, अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी। मैंने पहले ही कहा था इस गेंदबाज ने कल के दिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की और उसी चीज को इन्होंने बरकरार रखा है, कंटिन्यू रखा है, उसी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक के गेंदे कर चुके हैं 3 गेंदों में महज एक रन से ज्यादा कुछ नहीं खर्च किया, एक विकेट रनआउट के रूप में जरूर गिरी है। इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद रही डॉट के रूप में, रिच वाइट। हमने पहले ही कहा था कि अगर आप सफल हो गए तो आपका वाइट का जो मार्क है वो बढ़ जाता है, उसी तरीके का दृश्य देखने मिलता हुआ। स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 16 रनों पर, 2 गेंदे अभी भी आना शेष। इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बैट हाथों से स्विंग पिछली है जरूर, लेकिन एक रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पर, 1 to go, 1 to go, एक बॉल अभी भी आना बाकी। भावेश पैकर्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनका जरूर देखने मिलता हुआ, इनकी गेंदबाजी बहुत ही पहनी गेंदबाजी जरूर देखने मिलती हुई। इस बार देखिए जोरदार अपील, अपील को स्वीकार है, विकेट का पतंग होता हुआ। जीत के लिए रनों की जो जरूरत है वो है 18 गेंदों में बनाने हैं 18 रन, फाइनल में प्रवेश करने के लिए 18 गेंदों में 18 रन। डीजे
यस, गेंदबाजी की कमान पर हैं राहुल और बल्लेबाजी की कमान पर हम देख सकते हैं राहुल कश्यप, उनका साथ देने के लिए उतरे हैं प्रशांत। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। राहुल की अगर बात करें तो बिल्कुल इस खिलाड़ी को हम ठाणे का वंडर बॉय कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं। राहुल वर्सेस राहुल के बीच मुकाबला चलता हुआ, इस बार ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक का खेल दिया है। गेंद जाती हुई पॉइंट बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी कोशिश करते हुए लेकिन दर्शक बनकर देखते रहे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक और चार रन। दो गेंदों में दो चौके जरूर देखने मिले हैं। यस, फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल जरूर देखने मिलती हुई। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है, एक खिलाड़ी मिड विकेट के क्षेत्र में। इस तरीके से फील्डिंग को सजाया गया है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार, इस बार ये स्ट्रोक जरूर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड करने की चाहत, गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन पे परिवर्तित होती हुई और दो रन दौड़कर पूरे किए। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर 10 रनों पर दर्शाता हुआ। टारगेट है 18 रनों का, पहली ओवर जारी है। 3 गेंदों में 10 रन राहुल ने खर्च कर दिए हैं और राहुल कश्यप ने ये 10 रन अपने लिए जरूर जोड़े हैं। काफी उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार राहुल, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत थी। गेंद पर मिलेंगे 1 रन, थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। जीत के लिए 7 रनों की जरूरत। गेंदें बची हैं काफी ज्यादा, लगभग 14 गेंदें और 7 रन। इस बार थोड़ा सा शफल हुए थे, प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे गेंद डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ कमबैक करने की कोशिश। अब 13 गेंदें बची हुई हैं और जीत के लिए 7 रनों की जरूरत। 13 गेंदें 7 रन। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया। गेंद जाती हुई पॉइंट के क्षेत्र में, खिलाड़ी दर्शक बनकर जरूर देखते रहे। अब देखना यह है कि अंपायर का कितने रनों पर इशारा था। यस, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति और जीत के लिए अब 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। प्रशांत इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर नजर आते हुए। पवन की पहली गेंद
एक रन जरूर यहां पर पूरा किया है, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। जीत के लिए 5 रनों की जरूरत। फाइनल में प्रवेश करने वाली कौन सी टीम होगी ये देखने वाली बात जरूरी। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं।